फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है यूनिसेफ। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन। नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, ये जो यूनिसेफ है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। ठीक है, कब हुआ था ये इस्टेब्लिश? 1946 में। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, इसका जो और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में। ओके, इसमें जो यूनिसेफ का जो वर्क है वो क्या है, क्लोज कोलाब्रेशन करके चलते हैं WHO से, और इसकी जो अदर स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं लाइक FAO, UNDP या यूनेस्को, ये सब इनके साथ लेके वर्क करते हैं। ठीक है, यूनिसेफ इन सब के साथ वर्क करता है और सारी एजेंसीज को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। ठीक है, और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा ये जो है रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूनिसेफ इज़ एट न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है ये। ओके, और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो कंटेंट ऑफ सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं, यूनिसेफ की कंटेंट ऑफ सर्विसेज। कंटेंट ऑफ सर्विसेज में है सबसे फर्स्ट चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो जो यूनिसेफ है ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर टू द चाइल्ड। ठीक है, जो भी चाइल्ड को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जो इन्फेंट्स हैं उनके साथ साथ उनकी मदर को भी ये जो चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है, जो केयर प्रोवाइड करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चाइल्ड हेल्थ जो उसका कंटेंट है, उसका मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हाँ जो भी चाइल्ड्स हैं, छोटे जो बच्चे हैं, न्यूनेट्स हैं, और उनकी जो मदर हैं, उन सबको क्या प्रोवाइड करना है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। ठीक है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलना चाहिए, मदर की केयर होना चाहिए, चाइल्ड की केयर होना चाहिए, वो सब आएगा चाइल्ड हेल्थ में। सेकेंड है चाइल्ड न्यूट्रिशन। ओके, चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन में क्या है, ये जो है यूनिसेफ क्या करता है, हाई प्रायोरिटी देता है किसको, जो चाइल्ड इम्प्रूव करने के लिए, चाइल्ड के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो सेकंड वन पॉइंट यही है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन, मतलब कि बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके। ठीक है, और उनकी जो भी वीनिंग्स हैं उनके लिए इसका अच्छे से उन्हें वीनिंग मिले। ठीक है, और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, चाइल्ड को न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनका मेन फोकस दिया जाता है इस पर। नेक्स्ट है फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, थर्ड वन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर में क्या है कि इम्प्रूव करते हैं केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो भी केयर की चिल्ड्रन की केयर दी जा रही है उसको इम्प्रूव करना, देन फैमिली नॉर्म्स बताना, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताना, और दो बच्चों के बीच में कितना फैमिली प्लानिंग मेथड्स बताना, कितना इंटरवल रखना चाहिए, उन सब के बारे में यूनिसेफ बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो एजुकेशन है, एजुकेट करना सभी को, जो भी चिल्ड्रंस हैं सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, स्कूल्स पहुँचाना, गांव में जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा बोलना कि हाँ पढ़ाई करना चाहिए, प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, देन यूनिसेफ में जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उन सबको कंडक्ट करना, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा
ये फोकस करते हैं यूनिसेफ। ओके नेक्स्ट थे हमने, अभी हमने फोर कंटेंट पढ़े, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन। चाइल्ड हेल्थ में कि जो बच्चे और उनकी मदर है, चाइल्ड एंड मदर केयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देन चाइल्ड न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चे को, ठीक है, उसकी जो प्रायोरिटी है उसको क्या करना है, न्यूट्रिशन अच्छा देना है। देन फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बताते हैं कि फैमिली मेथड्स, फैमिली प्लानिंग सबके बारे में बताते हैं कि कितना इंटरवल रखना है दो बच्चों के बीच वो। देन एजुकेशन, एजुकेशन में बच्चों की जो एजुकेशन लेवल है उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, ठीक है, उनके बेनिफिट्स बताते हैं, ये सब आएगा एजुकेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ ने एक प्रमोट किया था GOVI करके एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें फोर स्ट्रेटजीज थी GOVI करके, मैं यहाँ बता देती हूँ, GOVI करके एक कॉन्सेप्ट दिया, स्ट्रेटजीज दी थी, वो है G4 ग्रोथ चार्ट्स टू बेटर मॉनिटर आर चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। G4 क्या है, ग्रोथ चार्ट फॉर टू बेटर मॉनिटर आ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि एक ग्रोथ चार्ट बनाना है जिसमें जो मॉनिटर करना है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा, उसमें G4 ग्रोथ, मैं लिख देती हूँ, G4 ग्रोथ चार्ट मॉनिटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देन O4 क्या है, ओरल हाइड्रेशन टू ट्रीट ऑल माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन करना, मतलब ओरल जो चीज़ें हैं वो देना है किसके लिए, ओरल रिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन देना है। देन B4 ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है वो। नेक्स्ट है आई फॉर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन किसके अगेंस्ट, मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस के और टीबी के लिए क्या करना है, इम्यूनाइजेशन देना है इनके, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो फोर कंसेप्ट थे यूनिसेफ के, वो यही थी फोर स्ट्रेटजीज, GOBI, गो बी ऐसे करके लर्न करते हैं। G4 क्या है, ग्रोथ चार्ट मॉनिटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक ग्रोथ चार्ट बनाना है चाइल्ड के जो भी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। देन ओरल रिहाइड्रेशन देना है, जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। देन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलना है, जो भी चाइल्ड जो प्रेगनेंट वूमन है उनको अपने चाइल्ड की केयर करने के लिए। देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन करवाना है बच्चे को, इम्यूनाइज करवाना है अगेंस्ट जो भी डिसीज कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, लाइक मीजल्स, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, पोलियो, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और टिटनेस, ओके, तो इनके रिगार्डिंग क्या देना है, इम्यूनाइजेशन। ये था पूरा टॉपिक हमारा यूनिसेफ, यूनिसेफ का मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1946 में, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में, ओके। और यूनिसेफ जो इसके साथ और एजेंसीज जो वर्क करती हैं वो है UNDP, FAO और यूनेस्को, ठीक है। इसकी जो कंटेंट है वो क्या है, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन, ये इसके कंटेंट ऑफ सर्विसेज हैं। देन इसमें जो फोर स्ट्रेटजीज दी, जो कॉन्सेप्ट दिया वो है GOVI, G4 ग्रोथ चार्ट मॉनिटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड O4 ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन, ओके, माइल्ड एंड मॉडरेट जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। देन B4 ब्रेस्ट फीडिंग एंड I4 इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, डिप्थीरिया, देन पोलियो, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने यूनिसेफ कंप्लीट किया। आपको यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू क्लास।